बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो प्यारे व्यूअर्स? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी मुसीबतों परेशानियों और आफात से महफूज रखे। प्यारे व्यूअर्स, अभी हम फतेहपुर शहर में जा रहे हैं अपनी शॉप पर। रास्ते में एक 11 चक आता है, 11 अड्डे के नाम से भी मशहूर है ये चक। वहाँ पर भाई ने अपने घर के अंदर ही एक फार्म बनाया हुआ है परिंदों का। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं। प्यारे व्यूअर्स, अभी हम आपको वो परिंदे और जानवर दिखाते हैं और नीचे फिर कमेंट में बताएं हमें कि आपको वो परिंदे और कैसे लगे, वो जानवर कैसे लगे। प्यारे व्यूअर्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी सारे व्यूअर्स, ये देखें, ये आपको मुख्तलिफ किस्म के तोते नज़र आ रहे होंगे। अभी हम भाईजान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किस किस्म के तोते हैं, परिंदे हैं। ये देखें, चहचहा रहे हैं, अल्लाह पाक की तस्बीह बयान कर रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, हमारे साथ रहें। प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं, तोते इसको कहते हैं। अभी हम भाईजान से बात करते हैं, इसे पूछते हैं कि ये कौन कौन से किस्म के तोते हैं। ये छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन के घोंसले भी बनाए होंगे इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है भाईजान ने अपने घर में ही में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई। अपना की नाम भाई है ना? काशिफ। काशिफ जी है। 111 चक जी, 111 एमएल जी, 111 एमएल जी। यार कितने तो ये शौक उठाया है चीजें दा? ए सब से पहले ते सी निशरा YouTube चैनल वेख रहे होने सी। अच्छा, ओ तो सानू रंग बिरंगे तोते वेख रहे सी, असि कहने सी असि भी ये साडे घर में शौक पूरा हो जावे यारा। अच्छा, तो सब से पहले मैं एक जोड़ा लेके आया, उस वास्ते आप अपना काम चलाने चलाने तक मेरा नुकसान ही बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, यानी कि 35-40 हज़ार का मैंने ये पेड़ लिया था। अच्छा, तकरीबन 40-50 हो गए, फिर मर गए सब के साथ, 2 बज गए, फिर मैं फतेहपुर गया, फतेहपुर से फिर ले लिए। अच्छा, फिर मेरे तकरीबन 40 हो गए, फिर मेरे सब के साथ मर गए, 2 बचे। उसके बाद फिर मैं लाहौर गया, लाहौर से मैं 13-14 लेके आया। अच्छा, जब 13-14 लिए उसके बाद मैंने सेट पूरा किया, छोटा सा फिलहाल सेट, अभी मसाला बहुत बड़ा 10-12 फुट का है। मसाला वो ऐसे रेड आई है, सिंगल भी है, फैलो भी है, तो जंग जितनी भी आइटम हमारे पास, सिंगल फ्लावर नहीं है, डबल नहीं है। अच्छा, सिंगल ओन नहीं है, रस में भी है, सब आप देख रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, सब कलोनी में आए हैं, सब एक तकरीबन 77 सूजी लगा दी उन्होंने। अच्छा, सब में बच्चे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो सामने ए टू जेड सब मटकियों में बच्चे और अंडे दिए हैं। अंडे दिए, तो इस तरह का भी ये है। अगर इस तरह ये हमारा सेट तैयार हो रहा है, तकरीबन ये 22 फुट लंबा होगा और 6 फुट का, ये मुकम्मल एरिया हमारा, ये सिर्फ इन पेयर के लिए है। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश है हमारी कि हम इससे ज़्यादा भी पेयर पा सकें। ये हमारी बिल्कुल घर की भीड़ है, मैंने कोई भी इससे घुमल नहीं लिया, अलहमदिल्ला इसके अंदर मैंने बेचे हैं क्योंकि लिए नहीं। अच्छा, ये मेरे घर के सारी भीड़ है, क्योंकि सारी नस्ल इसे पैदावार होती है। हाँ जी, अलहमदिल्ला हमारे घर की है। ये देखिए तारी, बड़ी मेहनत की है भाईजान ने, ये तकरीबन 4 साल की मेहनत है। कितने तो नागे हैं? तकरीबन ये 400 पेड़ होगा। 400 रुपये अपना 400 नागा जी, 400 तकरीबन, ये तकरीबन 400 नाग हैं, ये सारे इधे इसी घर की पैदावार हैं। ये भाईजान ने बड़ी मेहनत की हुई है। ये देखें, आगे भी इन्हें थोड़ा सा फार्म बनाया हुआ है घर में परिंदों का, थोड़ा सा इंशाल्लाह चार्टर है, इंशाल्लाह ये भी गर्मियों में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। वो सामने कबूतर भी बैठा हुआ है, ये देखें प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत है। ये किस किस मुल्क दे अपना नस्ल दे? ये इसका नहीं है कि जी, 7 आत्मा, 7 आत्मा, रेड आई है, सिंगल है, फैलो है, क्रीम कलर भी है, क्रस्ट भी है, सिंगल कैप वाले भी है, यानी कि इसका मेरे पास 7 किस्म के आत्मा है। 7 किस्म के जी, इनमें 2000 वाला पेयर भी है, 800 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 1800 तक पेयर हमारे पास है। अच्छा जी, अलहमदिल्ला।
ये देखें प्यारे व्यूअर्स, अभी हम आपको मुर्गियों की भी किस्में हैं भाई के पास, वो भी आपको दिखाते हैं। प्यारे व्यूअर्स हमारे साथ रहें। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, ये छोटा सा फार्म बनाया हुआ है कबूतरों का। ये देखें, ये कबूतरों की नस्लें हैं। प्यारे व्यूअर्स ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म की मुर्गी रखी हुई हैं। भाईजान कैसी अपने यहाँ किस्म दी है? ये भाईजान ये तीन मुर्गियाँ सील है, ये अच्छा। फैंसी है वो पैरों पलवार छोटे कद। हाँ जी, ये वो है ये 5000 रुपये कैस्टम जोड़ा है। 5000 का जोड़ा यानी कि? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बच्चे भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यार एक और किस्म होती है ब्लैक, उसका गोश्त भी ब्लैक ही होता है। और वो इनका बच्चा जा रहा है। अच्छा, वो जा रहा है इनका बच्चा, छोटा सा अंडे दे रहा है अभी वो भी। अच्छा, वो इनके मुर्गी अंडे दे रही है। जी, मुर्गी अंडे दे रही है। ये भाई सील कुकड़ है। ये सार फैंसी मुर्गे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके, छोटे छोटे बच्चे। प्यारे व्यूअर्स ये देखें, ये मुर्गी है और साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, फैंसी बच्चे हैं। ये बहुत ही अलग किस्म के ये मुर्गी है और इसके बच्चे हैं। ये प्यारे व्यूअर्स अभी हम एक और वैरायटी दिखाते हैं। ये देखें छोटे छोटे चीज़ें मारना लगी कोई बाड़े जा रेड़ दे देख। ये भी वही आला किस्म दी है? ये भी वही होर नसल छोट, ये होर नसल है। अच्छा, सील सील। ये देख पा रहे हो, ये सील मुर्गी के चूजे हैं। ये देख पा रही हो, बहुत ही प्यारे। बस ठीक है सारी हो गया, तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल इतना ना फैंसी उतो आ गया थले। बेटी ये देखे प्यारी, ये सारा ये मारे घर बच्चा था यार, कोई कबूतरा ने अंडे दिते थे, उन्होंने अंडे भन के इन्होंने थले रख के बच्चा कढ़वाया मेरे घर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जान ने बड़ी मेहनत की है प्यारे व्यूअर्स, कबूतरों के अंडे तोड़ दिए, इनका नीचे रख दिया, ये निकली एक माँ। घर के अंदर इन्होंने काफी मेला लगाया हुआ है परिंदों का। तो ये है सर हमारी आइटम, और ये है हमारे डब सर, ये 2000 रुपये का ही आइटम है, पूरे 2000 का। एक की नाम है दा? डब। एक केड़ा परिंदा? ये भी है ना ते विचो समा शमा है कुगिया विचो। अच्छा, कुगिया दी कोई किस्म चो? हां जी। ये देखे प्यारे व्यूअर्स, ये हमने पहली दफा देखा है ये परिंदा। ये आम होता है वो परिंदा जिसको कुगी कहते हैं, उसकी नस्ल में से है ये। सर ये डब है, बच्चे भी थे इनके, वो बिल्ली ने मार दिए। बच्चे किथे थे? उधर से बच्चा बिल्ली ने मार मार दिया। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत परिंदा है ये। की नाम अपना नसर से इधर गया भाई, की नाम है अपना भाई? काशु। काशु। प्यारे व्यूअर्स हम काशु भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये मालूमात दी। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपने घर के अंदर परिंदे रखे हुए हैं। प्यारे व्यूअर्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे व्यूअर्स हमें कमेंट में बताएं कि ये परिंदे आपको कैसे लगे, और इस तरह की और भी दिलचस्प वीडियो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहें।